जेईई या नीट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए थ्री इम्पोर्टेंट फार्मूला और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। सबसे पहला कंटिन्यूटी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। इन सब एग्जाम में कंटिन्यूटी इज द फर्स्ट फैक्टर जहां पे बच्चे पीछे हट जाते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि आपको डेली पढ़ना पड़ेगा फिजिक्स 2 आवर। क्यों? क्योंकि फिजिक्स थोड़ा होता है टफ बच्चों के लिए। मैथ 1.5 आवर, केमिस्ट्री 1.5 आवर, डैट इज़ टोटल 5 आवर आपको सेल्फ स्टडी करना है, डैट्स इट। इस पॉइंट पे ध्यान रखना बेटा, कभी भी पढ़ाई के साथ आपका खेलना भी ज़रूरी है, राइट? आपको बिल्कुल अपने पढ़ाई को एंजॉय करना है, आपके जो डे टू डे लाइफ है उसको भी कनेक्टेड रखना है। ऐसा नहीं कि पढ़ने का मतलब आप किताबी कीड़ा बन जाओ, इससे कुछ नहीं होता है। आप बस 5 घंटे अच्छे से मन लगा के पढ़ लो, डैट्स इट। लेकिन डेली पढ़ना है। रीज़न बिहाइंड, अगर आपने 3 दिन पढ़ा और 2 दिन नहीं पढ़ा तो वो जो 3 दिन आपने पढ़ा वो भी बर्बाद चला जाता है। और इस बात को सच मानो, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ को फील कर चुका हूँ। इसलिए ध्यान रखो इस पर कि पढ़ना है तो डेली पढ़ना है। भले आप इसमें आवर कम कर दो, लेकिन डेली पढ़ना है, कंटिन्यूटी को मेंटेन करना। अगर तुमने ये किया तो ये एग्जाम जरूर क्रैक होगा आपसे। सेकेंड थिंग, ट्रस्ट। ये भी एक बहुत बिग फैक्टर है। ट्रस्ट होना चाहिए किस पे? एक तो खुद पे, राइट? और खुद पे ट्रस्ट होने का क्या मतलब है? कि आप ऑलवेज पॉजिटिव रहें कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं डेफिनेटली वो आप क्रैक कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आप कंटिन्यूटी को मेंटेन कर रहे हैं। दूसरा, सर पे ट्रस्ट होना चाहिए, और ये एक अगेन बिग फैक्टर है। सर पे आप कैसे ट्रस्ट करेंगे? उसके लिए वेरी सिंपल है। सर ने जो भी आपको पढ़ाया उस कंसेप्ट को आप PYQ में लगाइए। अगर वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो रहे हैं, ध्यान दे बेटा, इजीली सॉल्व हो रहे हैं बिना किसी एफर्ट के, डैट मीन्स आपको सर पे ट्रस्ट करना चाहिए। अगर पर्सनल सजेशन की बात हो तो आई वुड प्रेफर कि आप IIT, NIT या डॉक्टर से पढ़े। क्यों? क्योंकि इन्होंने इस एग्ज़ाम को क्लियर किया हुआ है, तो डेफिनेटली उनको पूरा आइडिया कैसे करना होता है। तीसरा जो एक बिग फैक्टर है, डैट इज़ प्रैक्टिस। यहाँ पे बच्चे पीछे हट जाते हैं। प्रैक्टिस करना पड़ेगा बेटा। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कैसे करना है? वो भी वेरी सिंपल है। डेली आपको हर सब्जेक्ट के 5 क्वेश्चन करने हैं। ये बच्चों को बहुत ईजी लगता है, लेकिन इसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं, अगेन कंटिन्यूटी नहीं रख पाते हैं। 5 क्वेश्चन अगर आपने डेली किया, सपोज करो 1 मंथ तक आपने कंटिन्यू किया, तो 150 क्वेश्चन आप उस चैप्टर के कर लोगे, और डैट इज मोर देन एनफ। जो क्वेश्चन आप कर रहे हो उसके लिए शॉर्ट नोट्स बनाते हुए जाएं, राइट? रीजन बिहाइंड कि उस क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट लगा, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो शॉर्ट नोट्स बनाए। एट द एंड आपको यही काम आने वाला है, बाकी सारी नोटबुक आपकी रद्दी हो जाएंगी, राइट? और केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो केमिस्ट्री में आपको मेंस में 80+ लाने से और नीट में 160+ लाने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप रफ़ी सर का ट्रिक्स एंड कंसेप्ट वाला वीडियो लेक्चर देखें। क्यों? क्योंकि वो वीडियो लेक्चर मिनिमम से मैक्सिमम 20 से 30 मिनट के बीच में, राइट? ज़्यादा बिग वीडियो नहीं है और टू द पॉइंट है, राइट? और वो ट्रिक्स ऐसे हैं जो मैंने खुद के बनाए हुए हैं, आपको कहीं और नहीं मिलने वाले। बहुत इजी हैं, डे टू डे लाइफ से कनेक्ट किया है। अगर आप उसको सही से कर लोगे तो केमिस्ट्री में और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसमें एप्लीकेशन प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व कीजिए, PYQ कीजिए, डैट्स इट। केमिस्ट्री तो आपका ऐसे ही हो जाएगा, फिजिक्स और मैथ का आपको चिंता करना है। तो आई होप मेरा ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये 3 फॉर्मूले को आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता।